तो दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो जारी की गई BSPHCL यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। दोस्तों फॉर्म भरने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वीडियो के, यहाँ पे आप आइएगा, यहीं से वैकेंसी के पढ़ सकते हैं, यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब लिंक है रजिस्ट्रेशन करने के, अप्लाई करने के। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो sarkarijobfind.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आप इस वेबसाइट को देखा कीजिए जरूर। यहाँ पे सभी फॉर्म अपडेट होते हैं डेली के डेली। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो sarkarijobfind.com नाम से सर्च करेंगे, sarkarijobfind.com, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी जॉब फाइंड के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ वेबसाइट यहाँ पे दिखती है, ये देखिए। और तो यहाँ पे सभी फॉर्म यहाँ पे डेली के डेली अपडेट होते हैं, आंसर की, रिजल्ट, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाया करेंगी। तो अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी है जो BSPHCL की तरफ से फॉर्म जो भरी भरा जा रहा है 18 तारीख से, मैंने कल से ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट की रखी गई है 8/10 और फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 8/10 ही रखी गई है। करेक्शन जो है 9 से 10 अक्टूबर के बीच में होगा। एग्जाम जो है अक्टूबर के महीने में होने की उम्मीद है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है। SC ST PH के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। आपको एग्जामिनेशन फी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे करना है। टोटल जो वैकेंसी है 2,050 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंस ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन और टेक्निकल ग्रेड 4th की वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल ओबीसी SC ST अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फीमेल और मेल के लिए अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 10th पास के साथ साथ ITI मांगा गया है। 10th पास के साथ साथ ITI हो तो फॉर्म को भर सकते हैं। लिमिट की बात करें तो 18 से 37 साल एज रखी गई है और फीमेल के लिए रखी गई है 18 से 40 साल। एज जो काउंट होगी 1/8/2018 को काउंट होगी। फॉर्म भरने की लिंक नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, और उसके बाद ये लॉग इन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यहीं से आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, तो ये रही डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में। यदि आपको ये देखिए सब कुछ रहा है, मैं नोटिफिकेशन भी खोल के एक बार आपको बता देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में वही सब चीज़ें हैं जो पहले हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंसलेशन पे ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो, जैसे कि मतलब कि आप इसमें यदि नौकरी पा जाते हैं तो पहले आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको जो है रेगुलर मतलब रखा जाएगा। तो जो है प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 92 सौ से 15,500 मिलेंगे, और जब रेगुलर हो जाएंगे तो आपको 7th जो पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी मिलेगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी होगी, लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया था, रिजर्वेशन SC ST को जो जैसा मिलता है वैसे मिलेगा। 1,000 रुपये फीस है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मैंने बता ही दिया, अप्लाई करने के लिए मैंने बता ही दिया, और ये सब चीज़ें यहाँ पे रही। तो ये देखिए सिलेबस भी है यहाँ पे, जो एग्जाम होगा उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन सिलेबस भी मेंशन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्या क्या नीचे भी दिया गया है सब कुछ। तो ये रहा इसमें टोटल डिटेल्स वैकेंसी के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है, इस वैकेंसी पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वैकेंसी के साथ फिर मिलेंगे, नमस्कार।